गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर दैट इज़ नेक्स्ट मेथड, मेथड नंबर 4, यील्ड टू मैच्योरिटी दैट इज YTM. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय YTM? नाउ यील्ड टू मैच्योरिटी इज व्हाट? इट इज़ अ रेट ऑफ रिटर्न एन इन्वेस्टर अर्न ऑन ए बॉन्ड हेल्ड टिल मैच्योरिटी. सो YTM इज नथिंग बट इट इज़ अ रेट ऑफ रिटर्न विच इन्वेस्टर अर्न ऑन ए बॉन्ड ऑन अ बॉन्ड टिल मैच्योरिटी पीरियड. यानी जब तक इन्वेस्टर्स बॉन्ड को अपने पास रखता है अप टू मैच्योरिटी, तब तक का जितना भी रेट ऑफ रिटर्न है इट इज टर्म्ड एज व्हाट? यील्ड टू मैच्योरिटी. यील्ड इज व्हाट? रिटर्न ना. सो मैच्योरिटी तक कितना रिटर्न है? सो इट इज रेट ऑफ रिटर्न दैट इन्वेस्टर अर्न ऑन ए बॉन्ड हेल्ड टिल मैच्योरिटी. क्लियर? नाउ दिस यील्ड टू मैच्योरिटी इट इज अ इंटरेस्ट रेट दैट मेक्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो रिसीवेबल फ्रॉम द बॉन्ड इक्वल टू प्राइस ऑफ द बॉन्ड. ओके, तो यहाँ पे दूसरा मीनिंग हुआ कि यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है. इट इज अ इंटरेस्ट रेट दैट मेक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो रिसीवेबल फ्रॉम द बॉन्ड इक्वल टू प्राइस ऑफ द बॉन्ड. ओके, आपने ये टर्म पढ़ा होगा इन केस ऑफ कैपिटल बजटिंग, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR. सो IRR क्या दिखाता है? इट इज़ अ रेट वेर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो इज इक्वल टू वट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो. ऐसा दिखाता था ना, तो ये भी सेम ही है कि यील्ड टू मैच्योरिटी एक इंटरेस्ट रेट है जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो रिसीवेबल फॉर द रिसीवेबल फ्रॉम द बॉन्ड इज इक्वल टू द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड. यानी कितना इंटरेस्ट रेट पे प्रेजेंट वैल्यू एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इक्वल होगा, दिस रेट इज कॉल्ड एज वॉट? यील्ड टू मैच्योरिटी. क्लियर? Now it is also known as what? Cost of debenture. Now in case of valuation of bond, it is also known as what? Cost of the debenture. Now this YTM method can be calculated with the help of two method. Okay, YTM can be calculated with the help of two method. That is approximate method and second is what? Trial and error method. Now first is what? Approximate method. Next, approximate method, it is based on simple formula. So YTM is equal to I plus into bracket F minus P upon N. ये पूरा bracket में लेना है आपको. Clear? So I plus F minus P upon N divided by 0.4F plus 0.6P. It is a formula where I is what? Interest rate. F is face value. P is what? Present value or the current price. And N is what? Number of years. Simple sa hi hai. Okay. Now, next is trial and error method. Jo hum log internal rate of return mein ye calculate karte the IRR mein. Okay. That is what? Trial and error method. So, YTM is what? LDF plus into bracket. Again bracket. HDF minus LDF into present value at LDF minus SP divided by PV LDF minus PV SDF. Now here LDF is what? Low discount factor. Now in trial and error method we can get two discount rate. आपको दो discount rate मिलेगा, two discount rate मिलेगा, and in between आपका YTM का answer आएगा. So एक low होगा एक high होगा. So LDF is what? Low discount factor plus into bracket SDF is what? High discount factor minus low discount factor multiply present value at low discount factor. यानी हम लोग को present value of bond calculate करना पड़ेगा of high discount factor as well as low discount factor. So present value at low discount factor minus SP market price selling price divided by present value at low discount factor minus present value at high discount factor. आया समझ में? तो जैसे आप सम्स करोगे ना आपको एकदम इजी लगेगा ये सम्स. खाली फॉर्मूला याद रखना है, अप्रॉक्सीमेट मेथड एंड द ट्रायल एंड एरर मेथड. नाउ ये दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा. ओके, बट ये क्यों करना है? बिकॉज इन यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब वो पेपर चेकिंग में दोनों वो लोग मेथड को कंसिडर करते हैं. ओके, आप फर्स्ट मेथड भी आंसर सही आता है एक्चुअली, बट दोनों मेथड वो लोग करते हैं. भले टाइम जाए तो हम लोग को मार्क्स कट नहीं करवाना है, तो दोनों मेथड हम लोग करेंगे. क्लियर? चलो फर्स्ट आंसर 1.
मैंने क्वेश्चन भेज दिया है. नाउ द करंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज ₹90. द बॉन्ड हैज ₹100 फेस वैल्यू. द कूपन रेट ऑन द बॉन्ड इज 14%. फाइंड आउट YTM बोली देंगे. इफ मैच्योरिटी पीरियड इज वॉट 6 years. ओके, नाउ करंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज 90, दैट इज वॉट P 90 दिया है. देन बॉन्ड हैज फेस वैल्यू 100, सो फेस वैल्यू 100, कूपन रेट I 14%. YTM कैलकुलेट करना है व्हेन द नंबर ऑफ इयर्स मैच्योरिटी पीरियड इज वॉट 6. इतना आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, इट्स इनफ जो आपको फॉर्मूला में चाहिए. सो यहाँ पे दोनों मेथड कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्ट मेथड अप्रॉक्सीमेट मेथड. सो YTM इज वॉट I प्लस इंटू ब्रैकेट F माइनस P अपॉन N डिवाइडेड बाय 0.4 F प्लस 0.6 P. क्लियर? चलो I इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. सो फेस वैल्यू 100, उसका I 14% है, तो इंटरेस्ट क्या बनेगा? 14 प्लस फेस वैल्यू 100 माइनस प्राइस 90 डिवाइडेड बाय N 6 डिवाइडेड बाय 0.4 का 0.4 F फेस वैल्यू 100 प्लस 0.6 P 90. क्लियर? तो 14 का 14 प्लस ये ब्रैकेट ऑफ करो पहले, 100 माइनस 90 10 डिवाइडेड बाय 6, 0.4 इंटू 100 दैट इज 40 प्लस 0.6 इंटू 90 54. क्लियर? सो 14 का 14 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6 1.67 डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ दिस 94. ओके, सो 14 प्लस 1.67 दैट इज 15.67 डिवाइडेड बाय 94. तो आपका आंसर क्या आएगा? 0.167. ओके, नाउ 0.167 आप परसेंटेज में करना है, KD होता है ना, एक्चुअली इट इज़ अ रेट. सो क्या होगा? 16.7% आया साइन में, तो आपका आंसर ओवर. दैट इज वॉट अप्रॉक्सीमेट मेथड. नेक्स्ट मेथड हम लोग करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से. मैंने बोला है ट्रायल एंड एरर मेथड से ऑलवेज टू रेट मिलता है. ओके, जब आप अप्रॉक्सीमेट कर लिया तो आपको समझ में आ गया कि रेट क्या होगा इन बिटवीन 16 एंड 17%. 16.7% यानी आपका आंसर कौन से रेट के बीच में आने वाला है? एक लो डिस्काउंट 16% एंड हाई डिस्काउंट 17%. ओके, इन शॉर्ट आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 16% एंड प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 17%, बिकॉज आपका फॉर्मूला में है ना. चलो हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्राइस ऑफ द बॉन्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एट द रेट ऑफ 16%. ओके, अभी आपको फॉर्मूला तो पता ही है, समेशन टी इक्वल टू 1 to N IT 1 प्लस KD रेस टू T प्लस FN 1 प्लस KD रेस टू N. अभी शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करना है ना. इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ना, तो I तो सेम ही रहेगा, 100 का 14% दैट इज नॉट 14, 1 प्लस KD, यहाँ पे KD क्या लेना है? 16% दैट इज वॉट 0.16 एंड टाइम पीरियड कितना है? 6 है. क्लियर? प्लस 100 फेस वैल्यू 1 प्लस 0.16 रेस टू 6. क्लियर? नाउ अभी आपको कौन सा टेबल वैल्यू देखना है आपको पता है ना. यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर एट द रेट ऑफ 16% फॉर 6 years. एंड यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 16% फॉर 6 years. क्लियर? अभी टेबल वैल्यू देखना है. सो 14 इंटू 16% 6 years एन्यूटी फैक्टर. एन्यूटी फैक्टर देखना है 16% 6 years
3.685 प्लस 100 का 100, और यहाँ पे क्या देखना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 16% फॉर 6 ईयर्स। सो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखना है 16% फॉर 6 ईयर्स 0.410। क्लियर? सो आपका आंसर क्या आएगा, 14 × 3 दैट इज 51.59 प्लस 41, तो आपका आंसर आएगा 92.59। क्लियर? नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एट द रेट ऑफ 17%। अभी फॉर्मूला में नहीं डालते डायरेक्टली, सो इंटरेस्ट कितना है, 14 1 प्लस 0.17, अभी केडी होगा रेस टू 6 प्लस 100, 1 प्लस 0.17 रेस टू 6। ओके, यहाँ पे क्या देखना है, एन्यूटी फैक्टर। सो 14 × 17% फॉर 6 ईयर्स एन्यूटी 17% 6 ईयर्स 3.589 प्लस 100 को 17% फॉर 6 ईयर्स प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 17% फॉर द 6 ईयर्स प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ना, दैट इज 0.390। ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 50.246 and 339, सो 89.246। ओके, तो आपका क्या होगा, जो आपका 90 rupees मार्केट प्राइस है वो आ जाएगा ना, यानी 16 and 17 के बीच में मार्केट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एंड मार्केट प्राइस इक्वल होगा, यानी हमारा जो 90 rupees है इन बिटवीन है, इन बिटवीन हम लोग का 90 rupees आ जाएगा, यानी हम लोग का कैलकुलेशन सही हुआ। क्लियर? सो हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। सो ट्रायल एंड एरर मेथड से फॉर्मूला YTM इज व्हाट, लो डिस्काउंट फैक्टर प्लस इनटू ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट हाई डिस्काउंट फैक्टर माइनस लो डिस्काउंट फैक्टर है इनटू प्रेजेंट वैल्यू एट लो डिस्काउंट फैक्टर माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन प्रेजेंट वैल्यू एट लो डिस्काउंट फैक्टर माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हाई डिस्काउंट फैक्टर केस ब्रैकेट ओवर। नाउ लो डिस्काउंट फैक्टर 16 and 17 में लो कौन सा है, 16% है, सो 16 प्लस हाई डिस्काउंट फैक्टर कितना है 17 माइनस लो डिस्काउंट 16 ब्रैकेट ओवर इनटू प्रेजेंट वैल्यू एट लो डिस्काउंट फैक्टर, लो कौन सा है 16 पे प्रेजेंट वैल्यू कितना है 92.59 माइनस सेलिंग प्राइस 90 rupees है डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एट लो डिस्काउंट फैक्टर 92.59 माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हाई डिस्काउंट फैक्टर 17 हाई है ना उसके टाइम पे प्रेजेंट वैल्यू कितना है 89.246। क्लियर? तो 16 का 16 प्लस इंटू ब्रैकेट 17 माइनस 16 1 हो जाएगा इंटू 92.59 माइनस 90 दैट इज 2.59 डिवाइडेड बाय 92 माइनस 59 माइनस 98.246 दैट इज 3.344। सो 16 का 16 प्लस 1 का 1 इंटू डिवीजन करोगे तो 0.775। सो 16 का 16 प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 0.775। सो एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 16.775%। ओके, और परसेंटेज क्यों है, देखो यहाँ पे लो डिस्काउंटेड 16% है ना, तो मैंने साइन भले यूज़ नहीं किया, अल्टीमेटली लास्ट का आंसर आपको परसेंटेज में यूज़ करना है, दैट इज़ व्हाट 16.775। इट मीन्स व्हाट, 16.775% पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, इट इज़ अ रेट। तो
वे आपका अप्रॉक्सीमेट मेथड में भी सेम आया था 16.7, यह 16.7। आया समझ में कैसे करना है कैलकुलेशन? ओके बाय, टेक केयर, नाउ नेक्स्ट सम इन द नेक्स्ट वीडियो।